एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। ग्वाल बाल, पांच छह ग्वाल दौड़ करके गए मैया के पास और बाल बिखरे हुए थे सबके और धूल से पूरा शरीर पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा था। मैया के पास गए, मैया ने कही क्या बात है भैया, कैसे दौड़ते आ रहे हो? मैया तेरा लाला बहुत बदमाशी करे हैं, क्या कर दिया लाला ने? मैया वन में साथ में जाता है, किसी को गाली बकता है और हम भी गाली दें तो लात मारता है, तो दाऊ कुछ नहीं कहता। बोले दाऊ कुछ कहे तो उसको भी आंख दिखाता, कहा मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगा, तुम मुझे बात मत करियो। मैया झगड़ा करे सबते और आज तो बहुत ज्यादा उधम कर दियो जाने, कहा करो। बोले मैया हम सब झाड़ के पीछे देख रहे भाई, चुपचाप बैठो बैठो जमुना किनारे मिट्टी खारो। और जैसे मैया ने सुनी मिट्टी खारा, मैया ने कहा अभी देखूं, मैया चली और जा करके भगवान के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। चोरे लाला तेने माटी खाई? अब मैया ने जब कहा, भगवान बोले मैया मैं सच कह रहा हूं, मैंने माटी नाए खाई। दाऊ ने बिड़ाई होगी ना तोते जाए के, मुझे सब मालूम है जो दाऊ मुझे बहुत जले बहुत चिड़े मोते, दाऊ भाई ने बिड़ाई होगी। अच्छा दाऊ तोते चिड़े हैं? और सखा? बोले सखा तो डरे बात है, मारे को बाद में तो भाई की बात कहूंगे बा के सामने, तो मैंने माटी ना खाई। मैया वन में अकेलो मुझे छोड़ जाए बलदाऊ, मुझे जंगल में अकेला छोड़ देते हैं और ग्वालन को साथ में ले जाते हैं, किसी को रुकने भी नहीं देते मेरे पास में और मुझे डराते हैं, कहे वन में ते आए हाऊ, अभी हाऊ आएगा तुझे खाएगा। मैया ऐसे मुझे सताते हैं और अपनी बड़ाई करते घूम रहे सब जगह और मोही को बतावे चोर और मुझे चोर कहते हैं। बताओ मैया मैं सच कह रहा हूं, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भी संसिन, सब झूठ बोल रहे हैं मैं ही सर। मैया ने कही तू बड़ो सत्यवादी है, रोय चल मुंह खोल। और जैसे ही भगवान ने मुख को खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन श्री मुखारविंद में भगवान की मैया को हुआ, भूमंडल का दर्शन भूमंडल में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में अजनाबखंड, भारतवर्ष भारतवर्ष में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में यमुना का तट, यमुना के तट पर छड़ी लेके मैया खड़ी हैं और भगवान मुख फाड़े खड़े। इतना तक देखा मैया को चक्कर आ गए, भगवान ने देखा मैया घबरा रही हैं तो श्री ठाकुर जी उसी समय मंद मंद मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते ही सब मैया भूल गई। लाला को गोद में उठाया और खूब दुलार करते नंद भवन ले आए। अब तो राजा पे रहा नहीं गया, राजा ने कहा महाराज नंदह किम अकरोत ब्रह्मन, ये नंद जी का क्या ऐसा सौभाग्य है, यशोदा जी का क्या ऐसा सौभाग्य है? और एक बात ये नहीं समझ में आई, इतने अलौकिक कर्म को करने वाले को पुत्र माने बैठे, एक बार भी मन में भाव नहीं आया भगवान है कोई देवता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्यया, द्रोण नाम के वसु हैं, उनकी धरा नाम की पत्नी, इन्होंने हजारों वर्ष तप किया, भगवान प्रकट हुए तो भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ हम आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं और एक ही प्रार्थना है कि आप कैसी भी लीला करो, भले ही सारा संसार हमें मूढ़ कहे लेकिन आप में भगवत बुद्धि हमारी कभी ना हो, आपको सदा अपना लाला ही मानते रहे, सदा आपको अपना पुत्र ही मानते रहे।